हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर फोटोवोल्टेक पावर सिस्टम के बारे में कि जो हमारा सोलर फोटोवोल्टेक पावर सिस्टम होता है किस तरीके से वर्क करता है और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये क्या कह रहा है सोलर का मतलब होता है यहाँ सन से जो हम यूज करेंगे उसका हम किसका यूज करेंगे, सन का यूज करेंगे। अब यहाँ जो फोटोवोल्टेक लिखा हुआ है, यहाँ कहने का मतलब एक हमारा इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं फोटोवोल्टेक इफेक्ट। फोटोवोल्टेक इफेक्ट क्या है अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। फोटोवोल्टेक इफेक्ट यानी कहने का मतलब जो हमारी सन आएगी उसमें फोटोवोल्टेक इफेक्ट होगा जिससे हमारे क्या है पावर जनरेट होगी। जो हमारी पावर जनरेट होगी वो हमें किस फॉर्म में मिलेगी, इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी। हमारा मेन मकसद क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना, वो भी किसकी हेल्प से, सन की हेल्प से। अब यहाँ जो फोटोवोल्टेक इफेक्ट में हमारा यूज होता है, जो हमारे सन से रेज आती हैं वो हमारी रेज होती हैं फोटॉन में। किसके फॉर्म में होती है, फोटॉन के फॉर्म में होती हैं, वही हमारा जनरेट करती हैं फोटोवोल्टेक इफेक्ट। इसकी हेल्प से क्या है हमें इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। तो इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम सोलर पीवी सेल भी कहते हैं। अब ये सोलर पीवी सेल भी कहते हैं क्योंकि जो भी हम यहाँ से एनर्जी जनरेट करेंगे, पावर जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, पूरा सेल होगा, वो भी किसका, सोलर पीवी सेल होगा, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, पावर को जनरेट करेंगे। अब बात करते हैं पहले कि फोटोवोल्टेक इफेक्ट हमारा होता क्या है। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि हमारा फोटोवोल्टेक इफेक्ट क्या है। जैसे कि दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द फोटोवोल्टेक इफेक्ट इज डिफाइंड एज ए जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है हमारा क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, और उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हेल्प से एब्जॉर्प्शन ऑफ एनाइजिंग रेडिएशन, जो सन का रेडिएशन होता है वह एब्जॉर्ब होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलता है। कहने का मतलब ये हमारा क्या सन है, ये हमारा क्या है सन है दोस्तों। अब ये क्या है, ये सिलिकॉन का एक हमारा एक तरीके से मान लेते भी हमारा सेल है जो मेटल का बना हुआ है। अब ये क्या है, यहाँ रेज आ रही है। अब जो रेज आ रही है ये किसकी, फोटॉन की है, ये फोटॉन की हमारी रेज आ रही है, जो इस पे टकराते ही क्या है ये इसको एब्जॉर्ब करने लगता है, सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और एक फोर्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, और फिर आयोनाइजेशन की हेल्प से इसी इलेक्ट्रॉन को इमिट करके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट करता है और हमें इलेक्ट्रिक पावर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक हमें जो पावर चाहिए वो हमें यहां से दोस्तों मिल जाता है। ये होता है दोस्तों मेन इसका कॉन्सेप्ट। और ये जो हमारा एक्सेप्ट करता है, जो हमारा फोटोवोल्टेक इफेक्ट है, ये हमारा कहलाता है सोलर सेल। ये हमारा क्या होता है, सोलर सेल होता है। ये हमारा क्या सोलर सेल होता है। अगर हम एक सोलर सेल से बात करें तो नियर अबाउट हमें बहुत ही कम एनर्जी मिलती है, जो 0.5 टू नियर अबाउट 0.6 वोल्ट का होता है। ओके, और हमारा जो ये बना होता है पूरा, उसे हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। पीएन जंक्शन हमारा एक तरह का डायोड है, जो हमारा पीएन जंक्शन वर्क करता है, जिससे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रिक पावर हमें मिलता है। अगर हम इसी सोलर सेल को कंबाइन कर दें इस तरीके से, कई सेल मतलब बना दें इस तरीके से, हमने क्या किया इसमें कई छोटे छोटे सेल को लगा दिया, तो ये हमारा पूरा कहलाता है सोलर पैनल। इसे हम कहते हैं सोलर पैनल, जिससे नियर अबाउट हमें अब 15 टू 16 वोल्ट का हमें पावर मिल जाता है, जिससे हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पावर हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं किसका जो मेन सर्किट डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा दोस्तों सोलर पैनल होता है, अगर हम बात करें सोलर पैनल की, जो हमें क्या है, इलेक्ट्रिक जो हमारा जनरेट कर रहा है वो किस तरीके से करता है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ लेयर वाइज बने होता है, ये हमारा क्या है, कुछ लेयर में बटे होते हैं। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है वो ग्लास का बना होता है, जिससे क्या है हमारा जो रेडिएशन आ रहा है, ये हमारा जो सन का रेडिएशन आ रहा है इस तरीके से, वो क्या है इजिली इस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी मोर इफेक्ट जनरेट करेगा। ये हमारे जो आ रहे हैं सन से, हमारी जो रेज आ रही है उसे हम कहते हैं फोटॉन, इसे हम कहते हैं, इसीलिए हम इसको फोटोवोल्टेक नाम देते हैं। ये क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, फोटॉन होता है। तो जो ऊपर का लेयर होता है वो हमारा ग्लास का होता है, और इसके बाद हमारी जो लेयर होती है वो होता है एन टाइप। जैसे मैंने बताया पीएन जंक्शन होता है, तो जो ऊपर का होता है वो एन टाइप का होता है, एन टाइप का होता है। इसके बाद यहां डिफ्लेक्शन लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? डिफ्लेक्शन लेयर होती है। यह हमारी क्या है? डिफ्लेक्शन लेयर होती है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। और इसके बाद हमारा क्या होता है? यह हमारा होता है पी टाइप का, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप। और हमारा जो लास्ट में होता है उसे हम कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सोलर पैनल होता है वो इस तरीके से बटा होता है, यानी उसमें इतनी लेयर पाई जाती है। अब क्या होता है? जो हमारा सनरेज आता है इस ग्लास से टकराता है। जो हमारा ग्लास से टकराएगा तो ये भी हमारे क्या फोटोन है। अब ये क्या है? जब ये एन टाइप में आते हैं तो एन टाइप हमारा क्या होता है? ये थिन होता है, इसलिए थिन बनाया जाता है ताकि जो यहां से फोटोन आ रहा है वो इजिली यहां आ सके इस लेयर पे। क्योंकि जो एन टाइप है यहां हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यहां हमारा क्या इलेक्ट्रॉन होता है। और हमारा जो डिफ्लेक्शन लेयर है, जो हमारी डिफ्लेक्शन लेयर है, ये हमारा एक तरीके का पीएन जंक्शन का काम करता है। पीएन जंक्शन का काम करता है। और हमारा जो पी टाइप होता है ये थिक लेयर बनाया जाता है। अब इसको थिन लेयर बनाया जाता है ताकि ये हमारा क्या है? बीच का होता है, जिससे हमारा जो यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां क्या था? होल होता है। यहां इलेक्ट्रॉन है और यहां क्या है? होल है। अब ये क्या है? जब ये फोटॉन इससे टकराता है तो यहां से क्या है? दोनों डिफ्लेक्शन लेयर के कारण यहां छोटे छोटे ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इधर उधर भागने लगते हैं और ये होल भी भागने लगते हैं। तो होता क्या है? यहां दोनों का कॉम्बिनेशन बनके एक हमारा पीएन जंक्शन बना देता है, एक लेयर टाइप में बना देता है, जिसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन लेयर। अब इन्हीं के कारण जो हमारा पीएन जंक्शन का काम हो रहा है, इसके कारण क्या होता है? ये लेयर टाइप में ऊपर बन जाता है, जिससे यहां क्या होता है? हमारा निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। और इस साइड पी टाइप की तरफ हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब हम करते क्या है? यहां कॉपर की एक लेयर टाइप में लगाते थे, कॉपर की, जिससे क्या हो सकते है? जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो क्या सकते है? इसमें इकट्ठा हो सके। तो ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है इन इलेक्ट्रॉन को। और यहां से इस तरीके की सर्किट चलता है। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है। और एक रेजिस्टेंस से या फिर हम कहते हैं बल्ब से किसी से भी कनेक्ट कर देते हैं। और यहां से हमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें पावर चाहिए वो हमें यहां से मिल जाता है। ये दोस्तों आपका सन ऊपर है थोड़ा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से यह हम कनेक्ट कर देते हैं और हमें जो पावर मिलनी होती है यहां मिल जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये वर्क करता है क्या? फोटोवोल्टेइक पावर सिस्टम। आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोवोल्टेइक हमारा सिस्टम क्या होता है और हमें इसका मेन वर्क क्या है कि हमारा जो सन है, जो हमारी सन है, उससे हमें क्या? इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।